उत्तराखंड चारधाम यात्रा अप्रैल महीने से शुरू होने जा रही है, जिसकी तैयारियों में चारधाम यात्रा प्रशासन संगठन अभी से ही जुट गई है। बता दें कि यात्रा प्रशासन संगठन की यात्रा व्यवस्था बैठक 7 फरवरी को ऋषिकेश में आयोजित होगी। मिली जानकारी के मुताबिक चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियों को लेकर वृहत उच्च स्तरीय बैठक 7 फरवरी को शाम 3 बजे से नगर निगम स्वर्ण जयंती सभागार ऋषिकेश में गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। इस बैठक में आगामी चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियों की रूपरेखा तय होगी। वही बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि पिछले साल के भांति इस साल भी यात्रा सरल और सुगम होगी। सरकार पूरी तरह से यात्रा के लिए तैयार है। चारधाम यात्रा के जो कपाट हैं वो 22 अप्रैल से खुलने शुरू हो जाएंगे और इसके लिए तैयारियां जो जिला प्रशासन के स्तर पे, शासन के स्तर पे, सरकार के स्तर पर जो भी तैयारियां होनी है वो लगातार उन पर कार्य चल रहा है। कार्य योजना तैयार की जा रही है। यात्रा से संबंधित जो भी विभाग हैं, एजेंसियां हैं, उनके विभिन्न स्तरों पर बैठकें आयोजित हो रही है। उसके लिए किस प्रकार से हम जो भी यहाँ पर तीर्थयात्री आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनकी सुविधाएँ को लेकर के कैसे प्रयास हों, इसके लिए निरंतर सरकार के स्तर पर तैयारी हो रही है। और कमिश्नर लेवल पे भी इस 6-7 फरवरी को बैठक रखी गई है, जिसमें विभिन्न जो यात्रा से जुड़े हुए अधिकारी हैं, जो अन्य एजेंसियां हैं, उनके तमाम अधिकारी उसमें सम्मिलित रहेंगे और उसमें जो कार्य योजना है उसको तैयार करेंगे। आप जानते हैं कि गत वर्ष बड़ी भारी संख्या में तीर्थयात्री श्रद्धालु प्रदेश में आए थे और जितने भी पुराने रिकॉर्ड थे हमारे तीर्थयात्रा को लेकर के, उसके सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए थे, नए रिकॉर्ड कायम हुए हैं। तो इस वर्ष भी हमें उम्मीद है कि इस वर्ष भी बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक हमारे प्रदेश में आएंगे। तो उस समय जब भारी भीड़ प्रदेश में उमड़ेगी, धामों में रहेगी, तो उस समय हमारे समक्ष क्या चुनौतियां होंगी, इन चुनौतियों का भी हम आकलन कर रहे हैं, उस अनुरूप अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। श्री गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट परंपरागत रूप से अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं, जबकि श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल और श्री हेमकुंड साहिब के मई माह में खुलेंगे। वही केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि 18 फरवरी शिवरात्रि के अवसर पर तय होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।